तो ऑटो सेक्टर भले ही फिलहाल मंदी से गुजर रहा है, लेकिन ऑटो डीलर्स को फेस्टिव सीजन में अच्छी बिक्री की उम्मीद है। दिल्ली में ऑटो डीलर्स के सालाना कार्यक्रम में डीलर्स ने ऑटो कंपनियों से इन्वेंट्री करेक्शन में मदद करने के लिए कहा है। हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने डीलर्स से बातचीत की। ऑटो सेक्टर में स्लोडाउन की चर्चाओं के बीच देश भर के डीलरशिप एक जगह इकट्ठा हुई हैं और यहाँ पे मुद्दे भी वही हैं कि किस तरह से सेक्टर को रिवाइव किया जाए। मैम, हमने पिछले कुछ समय में देखा है एक तरह का स्लोडाउन तो दिखने को मिला है, लेकिन क्या फेस्टिव सीजन आने वाले हैं, क्या आपको उम्मीद है कि कुछ रिवाइवल दिखेगा? अगर ये जीएसटी पे क्लैरिटी आ जाती है तो आई एम श्योर कि रिवाइवल दिखना चाहिए। इट शुड बी बेटर, दो आई एम नॉट रियली, इफ आई लुक एट ईयर, अगर हम ईयर ऑन ईयर पे देखें तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। आप तो फाडा की तरफ से पूरा इस पे नजर बनाए रखते हैं, अभी अगर दिनों में बात करें कितनी इन्वेंट्री कितने दिनों की बची हुई है और क्या जो टर्न अराउंड हम कब से उम्मीद करें, कब से देखें कि कुछ पॉजिटिव खबरें आने लगेंगी? देखिए, अगस्त की फिगर अभी भी हम कोलेक्ट कर रहे हैं, उसका एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, बट जो थोड़े बहुत रुझान आए हैं जो दो दिन में हम लोगों ने सर्वे किए हैं, पैसेंजर व्हीकल इन्वेंट्री अभी भी ठीक है, लगभग 28-30 दिन के आसपास की है। जो अभी भी चैलेंजिंग है वो सबसे बड़ा इस समय टू व्हीलर इंडस्ट्री पे है और थोड़ी बहुत सीवी इंडस्ट्री की है, जिनके अभी भी जो फिगर्स आ रहे हैं कुछ 50 दिन से ऊपर ही आ रहे हैं। अब एक बार सब कोलेक्ट कर लेंगे तब आपको एग्जैक्ट बता पाएंगे जी। बट जो फाइनेंसिंग की दिक्कत आती है सर, उसको लेकर भी गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किया था, क्या अब इजी फाइनेंसिंग आप लोगों को मिल रही है या आपको अभी भी दिक्कत आ रही है क्रेडिट को लेकर? जो स्टिमुलस अभी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से अनाउंस हुआ उसमें थोड़ा बैंकिंग में ईज आया है, बट ओवरऑल एनबीएफसीज की तरफ से जो एक ओपननेस थी या एक ईज था फाइनेंस को, बेसिकली अप कंट्री मार्केट्स में या इन मार्केट्स में, वो अभी तक खुली नहीं है। तो वो जब तक एक बार खुल के नहीं आएगी तब तक इस ग्रोथ को सस्टेन करना मुश्किल होगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब चूंकि आज यहाँ आपकी मीटिंग भी हुई है, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है और किस तरह से आप सोचती हैं कि जो सेंटिमेंट है वो बेहतर हो पाएंगे आने वाले दिनों में? अगर गवर्नमेंट सीरियस है जीएसटी रिडक्शन के बारे में तो वो स्टेप जरा जल्दी हो जाए। नवरात्रे आने वाले हैं, फेस्टिवल सीजन आने वाला है, ये जो एम्बिग्यूटी है कस्टमर्स के दिमाग में ये सब खत्म हो जाए, इससे हेल्प मिलेगा। बाकी जैसे उन्होंने कहा एनबीएफसी की जो फाइनेंसिंग है इसमें काफी प्रॉब्लम है, कस्टमर्स की बुकिंग आ रही है, अगर मैं एक्चुअली देखूं तो बुकिंग्स आती हैं लेकिन डिटेल नहीं हो पाता, खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि उनको फंडिंग ही नहीं मिल पाती है। वहीं सियाम के प्रेसिडेंट राजन वडेरा ने कहा है कि इकोनॉमी में सुधार की उम्मीद तो है और इससे ऑटो के दिन भी अच्छे आएंगे। उनसे बात की हमारी संवाददाता मुग्धा मिश्रा ने। एक चीज जो कि भारत के फेवर में काफी काम कर रही थी वो था स्पेंड ऑन रोड, काफी ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था लेकिन अब उस पर भी सवाल उठने लग गए हैं। पीएमओ ने सवाल उठाया रोड कंस्ट्रक्शन पे, क्या आपको लगता है ये एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है ऑटो सेक्टर के लिए, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन डिमांड भी फ्यूल करता है, न सिर्फ पोस्ट रोड कंस्ट्रक्शन बट रोड कंस्ट्रक्शन में खुद भी काफी ज्यादा डिमांड जनरेट होती है। देखिए, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत क्लियर है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ग्रोथ, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने के लिए, उन सबको पहुंचने के लिए रोड नेटवर्क इज अ वेरी वेरी बिग अनेबलर और ये टेम्पररी हिकअप्स हैं मेरे हिसाब से, ऑल दिस वी विल ओवरकम एंड द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू हैपन and consequent to which all the commercial vehicles which are required, you know, which are big enablers for construction will come back.